नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना के ताजा आंकड़े देखकर अब रूह तक कांपने लगी है। कोरोना के आंकड़ों की तरह ही डर भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो 30 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी 24 घंटे के भीतर 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के केस 40 लाख के पार पहुंच चुके हैं। आम आदमी एक ऐसे जानलेवा वायरस के साए में जीने को मजबूर हो गया है जो ना जाने कब, कहां और कैसे उसकी जान ले लेगा और संक्रमित करके उसे छोड़ देगा। एमपी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में क्या है कोरोना का हाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में कैसे डरा रहे हैं कोरोना के ताजा आंकड़े, मौजूदा हालात में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है हमारी सरकारें, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा खास मेहमान भी होंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक ये रिपोर्ट देखिए। एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। एमपी में कोरोना से 24 घंटे में 30 मौत। एमपी में 70,000 के पार हुए संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने 24 घंटे में ली 22 जाने। छत्तीसगढ़ में 40,600 के पार हुए संक्रमित। हैरान कर रहे हैं कोरोना के आंकड़े। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दोनों राज्यों में कोरोना भी अनलॉक होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दोनों ही राज्यों की सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताबड़तोड़ केस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े शहरों मसलन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में तो हाहाकार मचा हुआ है। बात करें अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की तो एमपी में 1,658 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना ने 30 लोगों की जान ले ली है और इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 1,513 लोग कोरोना से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर महानगरों के हाल की बात करें तो एमपी के 4 बड़े महानगरों के हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बात करें अगर राजधानी भोपाल की तो भोपाल में 11,265 पॉजिटिव केस, 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,649 अभी भी एक्टिव केस हैं। जबलपुर में 4,622 पॉजिटिव केस हैं जिनमें 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,063 अभी भी एक्टिव हैं। इंदौर का हाल अब भी सबसे बुरा है। इंदौर में 14,031 पॉजिटिव केस हैं जिनमें से 411 लोग कोरोना के चलते दम तोड़ चुके हैं और 3,960 अभी भी एक्टिव हैं। ग्वालियर में भी कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्वालियर में 6,054 पॉजिटिव केस हैं, 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,715 केस अभी भी एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में तो हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे के कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,599 नए केस सामने आए, 22 लोगों की कोरोना ने जान ले ली और इसी के साथ कुल केस 40,634 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक प्रदेश में 337 लोगों की जान कोरोना के चलते गई है। मध्य प्रदेश की आबादी 6 करोड़ के करीब है और मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 70,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है और छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल केस 40,000 के पार हो चुके हैं। इस आधार पर आकलन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हालात मध्य प्रदेश से कई गुना ज्यादा खराब है। वहीं कोरोना के हाल पर स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान सामने आया है वो साबित करने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसमें 60,000 मैंने इसलिए कहा कि ज्यादा भी हो सकता है। सितंबर महीना है, पूरे सितंबर महीने में आप शुरू से देखिए तो 2,000 से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। 30 दिन का महीना है तो 2,000 डेली आते हैं तो 60,000 होता है। तो अगर ये 2,000 का क्रम बना रहा तो 60,000 केस हो जाएंगे। अगर ये औसत 3,000 हो गया तो 90,000 केस हो सकते हैं। तो अभी हम बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और जांच हम ज़्यादा कर रहे हैं। पहले 5,000-7,000 जाँच हो रही थी, अब 10,000-12,000 जाँच हो रही है। 10 तारीख तक हम लोग चाहेंगे कि 20,000 तक जाँच हो। तो जाँच जितनी ज़्यादा होगी उतने पॉजिटिव मरीज हमको मिलेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर बेड फुल हो चुके हैं। संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। प्राइवेट अस्पताल मनमानी फीस वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आम आदमी टेंशन में। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है,
लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि कोरोना दोनों ही राज्यों में बेलगाम है और उस पर लगाम कब और कैसे लगेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ये सोचकर ही रूह कांपने लगी है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, कोरोना अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। परेशानी की बात यह है कि डेथ रेट बढ़ता जा रहा है और रिकवरी रेट घटता जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष जुड़ गए हैं, टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा भी करेंगे कोरोना के इस विकराल रूप पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में छात्रों से जुड़ी हुई ये खबर है। मध्य प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। फीस नियंत्रण के लिए अधिनियम सरकार लाएगी। 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में अभी स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे, फीस नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से अधिनियम लाया जाएगा। क्योंकि फीस नियंत्रण को लेकर पेरेंट्स की ओर से भी काफी बार इसकी अपील की गई है। 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। और अब बात खबर विशेष की करते हैं। विकराल कोरोना होता जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, स्थिति दोनों ही जगह बेकाबू होती जा रही है। मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विश्वास सारंग जी, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे के अगर आंकड़ों को देखें तो 1658 मरीज मिले हैं, 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में, और ख़ासकर आप देखेंगे देश में बाकी हिस्सों में भी, जिन राज्यों में कम हुआ था पर पिछले हफ्ते से वापस संख्या बढ़ रही है। जैसे दिल्ली में सबको ऐसा लगता था कि शायद पीक पर पहुंच गया है, पर दिल्ली में फिर से संख्या बढ़ गई। और हम दुनिया की बात करें तो न्यूजीलैंड जैसे कोरोना फ्री हो गया था, वापस कोरोना का तीसरा फेज आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से हर प्रक्रिया का और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग ठीक ढंग से हो सके, जो पॉजिटिव है उनको इलाज मिल सके, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो पॉजिटिव जरूर हैं पर सिम्टम नहीं है, उनको हमारा आग्रह है कि वो होम आइसोलेशन में रहें। ऐप के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स उनकी स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, और जो सिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें बुखार है या बाकी सिम्टम है, वो अस्पताल पहुंचें। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। विश्वास सारंग जी, अगर देखें तो जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो डराने वाले हैं, आम जनता को भी डरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता एक खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गई है कोरोना काल में। आप खुद एक जिम्मेदार मंत्री हैं, कोरोना को लेकर सरकार की आने वाली जिम्मेदारी क्या होने वाली है? आम जनता को अगर समझाना हो तो किस तरीके से उन्हें समझा पाएंगे या ढांढस बंधा पाएंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इसकी समीक्षा करते हैं हम लोगों के साथ बैठकर, हर जिले में किस ढंग से हम कोरोना की रोकथाम कर सकें इसकी पूरी व्यवस्था है। क्योंकि अब पूरी तरह से अनलॉक की थ्योरी अपनाई गई है, अब किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं है, रविवार भी अब मार्केट खुलेगा, रात का कर्फ्यू भी खत्म किया है, क्योंकि आर्थिक पक्ष को भी हमें देखना होगा और जनता के को रोजगार मिल सके, उसके काम की स्थिति ठीक हो सके, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। बस यही हमने सुनिश्चित किया है कि हम टेस्टिंग पर पूरा ध्यान दें और टेस्टिंग के माध्यम से जो भी पॉजिटिव निकले उनको समुचित इलाज। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे साथ बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ वो राज्य था जिसने शुरुआत में बहुत अच्छा किया, हर जगह बहुत अप्रिशिएट किया गया, सरकार भी खुद इस बात से बहुत खुश थी और अपना कॉलर ऊपर करके थी कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम मामले आ रहे हैं, जो आ भी रहे हैं वो क्योर होकर ठीक हो रहे हैं। लेकिन सर फिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश के मुकाबले ही अगर देख लें तो काफ़ी कम है, लेकिन आंकड़े जस्ट डबल हैं। हो रही थी और 69 केस बचे थे, आए थे टोटल, और डिस्चार्ज के लिए 2 या 3 बचे थे।
वही समय था जब परिस्थिति में परिवर्तन आया और जैसे ही लोगों का आना जाना चालू हुआ, कोरोना को नियंत्रित कर पाना असंभव था। किस हद तक वो फैले इसी के लिए प्रयास हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा ना फैल पाए इसी के लिए प्रयास हो रहा था। और आज तीन चार पांच जो हमारे बड़े शहर हैं यही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायपुर है, बिलासपुर है और उसके बाद रायगढ़, कुछ हद तक चांपा जांजगीर, ये मुख्य रेल मार्ग पे भी हैं, बॉम्बे कलकत्ता रेल मार्ग पे भी हैं, नेशनल हाईवे पे भी हैं, सामानों का आना जाना, लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा यहाँ है। और शहरी क्षेत्र में नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लोग सामने नहीं आते, उनकी जानकारी नहीं लगती। गांव में लोग जितने ज्यादा सजग दिखते हैं, एक दूसरे की जानकारी जितनी गांव की होती है, एक घर में दूसरे घर में कौन कब आया क्या आया जितना गांव में होता है, शहर में बिल्कुल नहीं पता चलता। और यहाँ नियंत्रण नहीं उस प्रकार का हो पाया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो स्थिति दिख रही है, आप देख सकते हैं कि 337 अगर कुल मृत हैं तो 177 अकेले रायपुर में है, 41 दुर्ग में है, 13 राजनांदगांव में है, तो ये 54 यहाँ हो गए और 177 यहाँ हो गए, 241 केस। बिलासपुर में 17 और रायगढ़ में 18, 35। तो आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो 80% मामले ये 6 शहरों के ही हो जाते हैं। और यहाँ शहरी क्षेत्र में बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है इसको नियंत्रित करना। एक और जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों में कुछ ऐसी भावना आ गई है नहीं बताने की कि वहां जाएंगे तो अस्पताल में क्या होगा, कुछ तो इलाज नहीं होता, कोई दवाई की नहीं है, कोई उपचार नहीं है, तो घर में ही रह लेते हैं। और इसमें जो घर में रहते रहते संक्रमण फैल रहा है तो लोगों में कितना जा रहा है, लेकिन घरों में बड़ी मात्रा में जा रहा है। एक घर है जैन परिवार का, रायपुर में थे, 68 प्रकरण एक ही घर में निकले, 68 प्रकरण, कहीं 10 में से 8, कहीं 18, कहीं 23, कहीं 24, एक घर में से ये स्थिति आ रही है। और कैसे हम व्यवस्थाओं को कर सकें, आज रायपुर में जो कल का आंकड़ा था तो 8,500 करीब, 8,600, 8,500 आपके पास तो रिपोर्ट भी है, हम लोग इसको डेली अपडेट करते हैं, तो इतने एक्टिव केसेस रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो टोटल केसेस में एक्टिव केसेस 50% से आज ज्यादा हो गए। तो जब तक डिस्चार्ज की स्थिति नहीं आती है, मान लीजिए 1 सितंबर को 2000 है, 10 दिन बाद 2000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज मिलेगा, तब तक ये जो असंतुलन आपको दिखेगा एक्टिव केसेस में, तो टोटल केसेस में एक्टिव केसेस 50% से ज्यादा दिखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। धर्मलाल कौशिक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। धर्मलाल कौशिक जी, क्या आपको इसके पीछे की वजह समझ में आती है, क्योंकि शुरुआत में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा था, ये बात किसी से छुपी नहीं है, हर जगह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशंसा की जा रही थी, लेकिन स्थिति एकदम से इतनी ज्यादा बिगड़ी कि अब एक ही दिन में 2600 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, शुरुआत में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसमें कोई सरकार की और छत्तीसगढ़ में आप देखोगे कि कोरोना का जो मामला आया है उसके अलावा प्रदेश में एक दो मामले ही है, तो सरकार ने बहुत बड़ा काम करके उसको रोकने में सफल हुए। मुझे याद है राजा साहब बैठे हुए हैं, जिस दिन कुल 3 पेशेंट थे उस दिन 13 कारण कोरोना वॉरियर्स के फोटो छपे हुए थे, विधानसभा में भारी उसकी चर्चा हुई। मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता, यहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी हम छत्तीसगढ़ की लोग सलाह देने जाने वाले, दिल्ली में भी कोई सर्वे आ रही छत्तीसगढ़ के लोग कोरोना में जीत के सलाह देने जाने वाले, आज क्या हो गई है। उसका मुख्य रूप से जो कारण है कि एक तो राजस्थान बोल रहे हैं बाहर से लोग आए, तुमने जो कमाने खाने के लिए गए थे प्रवासी जो गए थे, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे कि उनके कारण में विस्तार नहीं हुआ। वास्तविक में छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जिला नहीं है कि जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है। अभी लगातार बिलासपुर में जो छप रहा है, नांदगांव में जो छप रहा है कि जो टेस्ट लेने के बाद, टेस्टिंग के बाद में जो रिपोर्ट आई है काफी विलंब से आई है। यदि आपकी रिपोर्ट काफी विलंब से आई है तो पूरा परिवार संक्रमित होगा, इस बात को हम लोग पहले से इस मुद्दा को उठाएंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से दिल्ली से
विशेषज्ञ की टीम यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काम करने वाले सीरो टेस्ट करने वाले। मैं आदर साहब से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर 5-6 जिला का जो नाम लिए कि जहां लगातार विस्तार हो रहे हैं, आखिर उसका क्या कारण है? इस पर कोई रिसर्च हुआ? उस पर कोई अलग से कोई काम हुआ कि बढ़ने के कारण क्या है, इसको रोकने के प्रभावी कदम क्या होंगे? अभी की स्थिति में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल रोकने की स्थिति में नहीं है और उसका भयावह स्थिति हम सबके सामने में है। राजा साहब खुद बोल रहे हैं कि 60,000 या 90,000। अब 60,000 या 90,000 यदि स्थिति आ रही है तो एक तो मैं राजा साहब से जो जानकारी लेना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हमने कोई ठोस प्रयास किया क्या, तो उसको जानने का हमने कोई रिसर्च किया, कोई और प्रकार के कोई उपाय किए कि जिससे उसको रोकने में हम कुछ दूसरे प्रकार के उससे कोई काम करें। दूसरी बात, यदि 60,000 और 90,000 की स्थिति आ रही है जो दिख रहा है, पहले 1,000 उसके बाद 2,000, अब 2,000 से ऊपर लगभग आज जो 2,600 की स्थिति है 3,000 की स्थिति में पहुंच जाएंगे 2-3 दिन के बाद में, 1-2 दिन के बाद में तो 90,000 की स्थिति आ जाएगी। उस स्थिति में क्या हमारे पास में पर्याप्त बेड की व्यवस्था हमने करके रखी है? अभी अप्रोच लगाना पड़ रहा है मेरे जैसे आदमी को, राजा साहब को खुद अप्रोच लगाना पड़ रहा है या उसको अस्पताल में डालना है, तो पेशेंट तैयार है जाने के लिए, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति आज हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बनी ठीक है, और आने वाले समय में जब इसकी विस्तार होगी तो इस विस्तार के लिए हमारी तैयारी क्या है ठीक है, तैयारी को मुझे लगता है लेकर के चलने की आवश्यकता। धर्मलाल कौशिक जी, तैयारियों की आपने बात की है, मौजूदा सरकार से मंत्री भी हमारे साथ में मौजूद है। टीएस सिंहदेव जी, जो बातें धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं, सरकार की आगे ठोस तैयारी क्या है? क्योंकि आप ही ने कहा कि अगर आंकड़ा 2,000 की तेजी से हर दिन बढ़ेगा तो 60,000 पहुंच जाएगा, और अगर 3,000 की तेजी से बढ़ता है तो 90,000 तक पहुंच जाएगा। सरकार कितनी तैयार है इसके लिए? इसमें अगर हम जोड़ेंगे गुंजन जी कि दिन में 2,000 में छोड़ देता हूँ, 2,500 पकड़ता हूँ, 2,500 केस प्रतिदिन की औसत से अगर आते हैं और 10 दिन तक ये लगातार केस औसत 2,500 से आते हैं तो 25,000 पेशेंट होते हैं एक साथ। फिर उसके बाद डिस्चार्ज की प्रक्रिया चालू हो जाती है, अमूमन 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज की स्थिति दिख रही है। अगर 3,000 पेशेंट आते हैं प्रतिदिन तो 10,000 की स्थिति में 30,000 पेशेंट एक साथ अस्पतालों में रहेंगे, फिर डिस्चार्ज की क्रिया चालू हो जाती है। जो 90,000 का आंकड़ा है 3,000 औसत के हिसाब से, ये 30 दिन का है, तो 90,000 एक साथ पेशेंट्स अस्पतालों में या उनकी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये मैं कह रहा हूं कि अगर 3,000 है केवल तो ये अगर बढ़ सकता है, आप 5,000 का आंकड़ा अगर रखना चाहें ध्यान में, जो प्लानिंग के लिए रखना चाहिए जो हम लोग रखते भी हैं, तो 5,000 प्रतिदिन अगर औसत आने लगेंगे तो हम उसके लिए कितने तैयार रहेंगे उस दिन नहीं, आज हमको देखना चाहिए। तो 10 दिन के लिए 50,000 तक बिस्तर, अभी 25,000 से 30,000 तक का व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है और आगे भी ये बढ़ाते जा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आए कि 5,000 प्रतिदिन भी आएंगे तो 10 दिन के लिए एट ए टाइम जो मरीज हमारे पास रहेंगे वो 50,000 मरीज रहेंगे, इनके लिए बिस्तर की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। और व्यवस्थाओं की सीमा को देखते हुए ही ऐसे होम आइसोलेशन की व्यवस्था चालू की गई है, पेड आइसोलेशन की व्यवस्था चालू की गई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व्यवस्था चालू की गई है, उनके रेट्स तय करने की दिशा में हम जा रहे हैं। अभी बड़ी शिकायतें हैं कि अमानवीय तरीके से अनाप शनाप रेट लिए जा रहे हैं निजी अस्पतालों में, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, यानी आदमी सोच नहीं सकता कि ऐसे त्रासदी के समय। बिल्कुल सर, कोरोना काल में आम जनता की कमर सिर्फ कोरोना ने ही नहीं तोड़ी है, रोजगार ने भी तोड़ दी है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, वहाँ चार्जेस इतने ज्यादा हैं तो आम जनता वैसे ही परेशान है। सर लौटेंगे आपके पास, विश्वास सारंग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर मध्य प्रदेश के आंकड़ों को अगर देखें तो क्या उम्मीद करें, भविष्य में ये आंकड़े कम होंगे? सरकार का ब्लू प्रिंट क्या है, कैसे हम इस पर रोक लगा पाएंगे? देखिए, रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, यदि हमें सिम्टम है तो हम तत्काल प्रभाव से आइसोलेशन में जाएं, चाहे अस्पताल जाएं चाहे घर के कमरे में बंद हों, क्योंकि इसको स्प्रेड नहीं करना। इस बीमारी की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि ये एक दूसरे से लगता है, इसलिए ज़रूरी यह है कि जो भी पॉजिटिव आते हैं जिनको सिम्टम है वो तत्काल प्रभाव से टेस्टिंग कराएं, और यदि उन्हें कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो सरकार के एडवाइजरी का पालन करें। ठीक सर।
टीएस सिंहदेव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपने कोरोना को लेकर बताया कि किस तरीके से आपकी तैयारी है, आपने कितने बेड्स की तैयारी की हुई है। छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था और की गई है कि आप घर पर रहकर ही इलाज करा सकते हैं। सर, एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में अगर देखें, छत्तीसगढ़ में क्या देश के किसी भी राज्य में अगर देख लें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपनी जान लापरवाही के चलते भी गंवा चुके हैं। तो क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को घर पर मिल पाएगा? इसमें एक्चुअली अगर देखिएगा तो ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोफिलैक्टिक्स हम देते हैं, कोई उपचार नहीं है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। वेंटिलेटर के स्टेज तक अगर पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको हम क्या दे रहे हैं? हम ऑक्सीजन देके समय दे रहे हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कोरोना के आगे चला जाए, कोरोना को पछाड़ दे, कोरोना को हरा दे। तो ट्रीटमेंट कुछ नहीं रहता, केवल एक मौके रहते हैं कि हम एक आइसोलेशन कर दें, इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, प्रोफिलैक्टिक के रूप में जो दवाइयां हैं उनको हम उनको दे दें तो कुछ सहयोग सहारा हो सकता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे अन्य दवाइयां हो जो लोग लेना चाहें। और जो सारंग जी ने कहा वो तरीका वही है कि हमको रोकना चाहिए। और होम आइसोलेशन में हम लोग एक और व्यवस्था चालू करने वाले हैं कि एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जहां 8 से 10 डॉक्टर प्रति 8 घंटे बैठेंगे और होम आइसोलेशन के पेशेंट से ऑनलाइन वो कंसल्टेशन लगातार रखेंगे, दिन में कम से कम 2 बार, और पेशेंट चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त प्राइवेट डॉक्टर्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं, एक पैनल मांगा है IMA के माध्यम से, और सेक्टर वार या एरिया वार जो निजी पेशेंट भी चाहें अपना तरफ से पैसे दे के ठीक सर उनसे कंसल्टेशन करना। तो ये 2,000 या 2,500 रुपए, करीब 200 से 250 रुपए प्रतिदिन 10 दिन का एक पैकेज है, ये भी तैयार कर रहे हैं, और निशुल्क दवाइयों का वितरण भी हम जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, धर्मलाल कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर कहिए। जो आपने प्रश्न किया उसी में राजा साहब जवाब दे रहे थे, तो उसमें जो होम आइसोलेशन में है तो एक तो प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज चाहे जो भी हो जो, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो मुझे लगता है कि उनको एक सुखद एहसास होगा। दूसरी बात, जो प्राइवेट अस्पताल में जो स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आ रहा है विवाद की स्थिति बन रही है, FIR हो रहा है, वास्तविक में इसको सरकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस बात को जिस दिन अनुमति दिया गया तीन अस्पताल को, उसी दिन मैंने एक प्रश्न उठाया था कि सरकार उस पर नियंत्रित कैसे करे, एक कोई रियायत दर पे कोई रेट उसका फिक्सेशन करे कि इससे ज्यादा रेट नहीं ले सकते, ये तो लोग प्राइवेट में जाते हैं और लुटा करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अमानवीय जो दृश्य जो दिखाई देगा और बनेगा वो हमारे लिए बहुत बेहद खतरनाक स्थिति बनेगी। ठीक है सर, ठीक है, बने रही हमारे साथ। एक बार मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। विश्वास सारंग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद करें भविष्य में फिर से देश का दिल कहे जाने वाले MP में जब शादियां होंगी या कोई जलसा होगा तो उतनी ही भीड़, उतनी ही खुशी अपनों के साथ नजर आएगी? देखिए ये हमें देखना पड़ेगा, ये सब तो काल, समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब शादी का सीजन होगा उस समय क्या स्थिति है उसी के बाद सरकार निर्णय। ठीक सर, एक आखिरी सवाल और। रिकवरी रेट में बुरहानपुर नंबर 1 पर है, भोपाल नंबर 8 पर है, इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? इंदौर और बड़े शहर भोपाल ये इतने पीछे क्यों हैं? देखिए, रिकवरी रेट ये सीधा जब हम रेट की बात करते हैं तो ये संख्या कितनी है मरीजों की उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है, इसलिए हम किसी छोटे शहर और बड़े शहर की तुलना नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दा ये है कि हर जगह हमारी समुचित व्यवस्था है, चाहे वो बुरहानपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, हर जगह बिस्तर भी समुचित हैं और हम टेस्टिंग भी समुचित करवा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया TS सिंहदेव जी, धर्मलाल कौशिक जी और विश्वास सारंग जी आपका। लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है, कोरोना का काल है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वो तैयारी इतनी काफ़ी है? क्या सरकार को कुछ और स्टेप्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या आम जनता को किस तरीके से समझाना है ये भी सरकार का ही उत्तरदायित्व, सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। अब किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।